हेलो स्टूडेंट्स, मैं JCMSS स्कूल तावड़ू से आप लोग के लिए आज क्लास फिफ्थ का लेसन नंबर सेकंड के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। इसके लिए आज मैं आपको ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ाऊंगी। किसका? ग्रामेटिकल पोर्शन। एडवर्ब, एडवर्ब किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। एडवर्ब आर वर्ड, ये एक शब्द है दैट टेल अस मोर अबाउट द वर्ब, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया के बारे में बताता है कि क्रिया पर जोर दिया जाता है कि क्रिया कैसे की जा रही है। ठीक है, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इन ए सेंटेंस, कि वाक्य में क्रिया का क्या विशेष महत्व है, या एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द कैट पर्स हैप्पीली, जो कैट जो थी वो खुशी से कूद के पड़ी। हैप्पीली टेल अस मोर अबाउट द वर्ब पर, इसमें जो पर का जो यूज हुआ है इसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। क्या कहेंगे? एडवर्ब। तो ये स्पेशली बता रहा है कि उसने जो वो क्रिया की, एक तो होता है हैप्पीली खुश होना, एक पर्स खुशी से, मतलब बहुत ज्यादा खुशी से वो खुश हो गई, बहुत ज्यादा। फील इन द ब्लैंक्स विद द एल वाई फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या होता है, जैसे ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। बट अगर हमें एडवर्ब कहना हो तो उसके आगे हम एल वाई लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एल वाई। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर ई के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एल वाई फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव। इसमें ये जो भी वर्ड दिए हैं, जैसे लाउडली, सिंपली, कंप्लीटली, अफेक्शनेटली, इनको हमें इन सेंटेंस में फील करना है और वाक्य बनाना है। हर डॉटर बिहेव्ड नॉटिली, उनकी जो डॉटर है, उनकी जो बेटी है, वो कैसा व्यवहार कर रही है? नॉटिली, बहुत ही ज़्यादा शरारती। एक होता है शरारती, शरारत करना, एक होता है बहुत ज़्यादा शरारती का, शरारत करना। तो ये क्या है? नॉटिली। ही क्वाइटली लिसन टू आवर प्रॉब्लम्स, उसने बहुत ही ज़्यादा चुप हो करके हमारी बात ध्यान से सुनी। प्राची सेट एंड वेटेड पेशेंटली, प्राची वहाँ बैठी और हमारा इंतज़ार किया उसने कैसे? धैर्यपूर्वक। पेशेंटली मीन्स धैर्यपूर्वक। ऐसे ही एनिमिहा विसल लाउडली टू हर सेल्फ, एनिमिहा विसल, उन्होंने विसल बजाई, सीटी बजाई लाउडली टू हर सेल्फ, कैसे? बहुत ज़्यादा तेज। द चिल्ड्रन डांस ब्यूटीफुली, बच्चे नृत्य कर रहे थे बहुत ही सुंदरता से। शी स्पीक्स अफेक्शनेटली, वो बोल रहा था बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। द टीचर शाउटेड एंग्रीली, टीचर जो था वो चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा गुस्से से। शी हैप्पीली गेव हिम ए पैट, उसने एक खुशी से, बहुत ज़्यादा खुशी से किसी को एक अपना पैट दे दिया उनको। शी कम्प्लीटली रिजेक्टेड हर प्रपोजल, उसने उसका प्रपोजल पूरी तरह से कम्प्लीटली मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आई हार्डली इंडोर्स द न्यू कैफ़े, मैं दिल से, तहे दिल से चाहता हूँ कि ये कैफ़े, न्यू कैफ़े बने। ही सिंपली डिड डोंट अंडरस्टैंड, वो आसानी से समझ गया। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू स्टे देयर एनी लॉन्गर, मैंने एब्सोल्युटली, मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि वो वहाँ पर नहीं रहेगा। ओके, ऐसे ही ये हमारे वर्ड फिलिंदा ब्लैंक्स है, जो हमें इस, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर कॉलम में, ये आपको यहाँ पे फील्स करने हैं। और ये आपको, ये आज हमारा ये होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 13, 4, 20 का ये हमारा होमवर्क है, जो आपको करना है क्रिया विशेषण। और इसके अलावा मैं आपको आज घर के लिए काम और भी दूंगी। ये देखिए, डू यू हैव ए फाइट विद योर फ्रेंड्स, डू यू हैव फाइट विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से जो भी जब लड़ते हैं, एंड क्लासमेट एवर कभी भी, या फिर जो भी दोस्त हो आपके क्लास के, उनसे हाउ डू यू सॉल्व इट, तो वो प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है, 3, 4, 5 जितनी भी आप लिख सकें इसमें। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ये भी आपका 13, 4, 20 का होमवर्क है। ओके, तो ये हमारा आज का होमवर्क है, एक तो ये है,
और एक ये वाला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एल वाई फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव. ये देख लेंगे एक बार क्लियरली. एक ये है ठीक. ओके okay.